आ गया है वो दिन जब हम जाने वाले हैं पाकिस्तान, हम नहीं सॉरी मैं। और ये देखें ये बंदे को काम पे लगाया हुआ है। हाँ जी, सफाई भी बहुत जरूरी है। बंदा टॉयलेट में देखें सफेदी कर रहा है, सफेदी। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, इससे पहले कि कुछ और किया जाए हम पहले अपने फोन का कवर चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज करेंगे, कवर चेंज करेंगे, क्योंकि ये देखें आप इसकी हालत। और यहाँ से ओ टूट गया है। गंदी लड़की क्या मतलब? और अभी ढूंढते हैं कि दूसरा कहाँ पड़ा। दूसरा दूसरा कहाँ पड़ा? ऑफिस में। ऑफिस में चले अब ढूंढते हैं अलीशा के ऑफिस में अपना कवर। नहीं जी, मिल गया है हमें ये कवर, अब हम इसको करेंगे चेंज। ये रहा गंदा वाला, इसको तो फेंक दूंगी। और ये रहा हमारा नया वाला कवर, खोलना। ये कुछ अब हम इसको लगा लेते हैं। चेंज कवर हो गया है चेंज, और मैं बनी हुई उजड़ा बाग। थोड़ी देर में तैयार होना शुरू करूंगी, उसके बाद मिलूंगी आपसे। कहाँ को जाऊँ? इधर इधर। ये हो गई मेरी सारी पैकिंग पाकिस्तान के लिए, और सिर्फ ये बैग रह गया है। इसमें अब मैं चीज़ें डालूंगी और उसके बाद हम अपना तैयार होना शुरू करेंगे। ये आ गई बच्चों के लिए चॉकलेट्स। तो मामा भी हमारे साथ आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। मामा हाय कर लें। हाय। तो गाइस ये देखें हमारे जाने पे रेनबो भी निकल आई है, और हम लोग अभी हैं गाड़ी में बैठे हुए। हमारे साथ हैं पीछे मामा, और बस अभी एयरपोर्ट पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। ये पहुंच गए हम हीथ्रो एयरपोर्ट। बाय सना। बाय। बस तुम फिर जाओ। बाय। ओके बाय। ओके मैम। ओके बाय। सिक्योरिटी मेरी क्लियर हो गई है, और कितना मुश्किल है अकेले जाना पता ही नहीं। अभी बैठी हुई हूँ गेट का, इंतज़ार कर रही हूँ कि कब नंबर बताएंगे, और फिर जाऊँगी अपने गेट की तरफ। उससे पहले देखती हूँ अगर मैं कुछ खाती हूँ। माँ बाप के लिए क्या क्या करना पड़ता है जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मैं कर रही हूँ अभी। अभी बस देखते हैं कि कैसे 3 घंटे ज़ाया किए जाएँ। घूम फिर तो लिया है मैंने इधर ड्यूटी फ्री में, पर अब और क्या ही कर रहे बंदा। तो सीन कुछ ये है, मैं आपको बताती हूँ कि सरप्राइज़ है मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरे सिबलिंग्स के लिए, जो कि उनको नहीं पता। दैट्स वाई इट्स अ सरप्राइज़। मैं भी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हूँ, पर नैयर भाई को मैंने बताया था। जी हम आ गए हैं हम एक फैंसी से रेस्टोरेंट में, जहाँ पे अकेले बैठ के खाना खाना पड़ रहा था। अजीब सा ही लग रहा है पता नहीं। गर्ल्स और नॉइज, ये मुझे सब आप लोगों की खातिर करना पड़ रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि देखो मैं ऐसे आऊँगी। इतने याद आते हैं आप मुझे। यहाँ के मेरा ओल्ड टाइम फेवरेट ऑरेंज लेंच। जी आ गया है हमारा खाना, अब हम इंजॉय करेंगे। बहुत मिस करी हूँ निशु आपको। गया है जी सब कुछ, अब वो जा रहे हैं जी। बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट, और अब हमें भागना पड़ेगा अपने प्लेन की तरफ। बोर्डिंग करके फिर आपसे मिलते हैं। ये आ गया जी अपना इस्लामाबाद, जिनके टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा ही गंदे हैं। इतना भी मुश्किल नहीं है अकेले आना, बस जब तक कोई साथ हो तब तक सहारा रहता है, उसके बाद फिर खुद हिम्मत आ जाती है। पहली दफ़ा यहाँ इतना रश है ही नहीं। यहाँ मुझे नैयर भाई और उनकी छोटी छोटी 2 बेटियाँ पिक करने आए थे। पाकिस्तान की तो बात ही कुछ और है ना। Thank you.
कौन मिलने आया है? टॉयली को मिलने आई है। गाइस अब मैं आई हूँ अपने मम्मी पापा के घर और अब मैं पहली दफा देखूंगी इनका घर। देखिए मेरे साथ और कैमरा मैन है मेरे नोएल मसूद। ये देखिए यहाँ पे बारबेक्यू होगा। शक्ल तो दिखा। हाँ जी तो मैं आ चुकी हूँ अपने मम्मी पापा के घर और मेरा भाई भी है मेरे साथ। हेलो। और ये मेरी बड़ी बहन, ये रही मेरी मम्मी। ले जी तहजीब से हम इतना सामान लेकर आए हैं। हेलो गाइस, अभी हम घर पहुंच। हाँ आप भी मेरी वीडियो में आ रही हैं। अब आप ऐसे ही जाएंगे जैसे बैठी हैं और इसको पता मुझे कैमरा बांधना।